अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज शहजाद सुमरो एंड यू वाचिंग शेयर्स ऑफ शेयर्स। फ्रेंड्स, सर्दियों की आमद है और मैं इसी सिलसिले में आपको एक सर्दियों की सौगात खिलाने के लिए लेके आया हूँ। खाएंगे हम, देखेंगे आप, मगर आप ज़रूर ट्राई करेंगे एंड इट्स वर्थ बीइंग हियर। चले हम इनसे बात भी करते हैं और उनकी जो यखनी है उसके बारे में भी पूछते हैं कि वो कैसे बनती है, अगर ये इनकी सीक्रेट रेसिपी जो है वो शेयर कर दें तो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक। कितने अरसे से बना रहे हैं आप ये? वालिद साहब के टाइम से बन रहा है। अच्छा, तो मैं भी मेरे ख्याल से 5-6 साल से तो आपके पास आ ही रहा हूँ। अच्छा, वालिद साहब यहीं पे लगाते थे या कहीं और लगाते थे? अंदर मार्केट में। अच्छा, तो अगर ये जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो फिर क्या लगाते हैं आप? शरबत लगाते हैं। अच्छा, इनका शरबत भी फ्रेंड्स बहुत ही उम्दा किस्म का होता है, मगर मैं आपको ये दिखा दूँ, ये इनकी यखनी है और ये जो मुर्गियाँ हैं ये देसी मुर्गियाँ हैं या देसी और मिस्री होती हैं? देसी और मिस्री होती हैं, और ये अंडे देसी भी होते हैं और फार्मी जो भी चाहे वो जो है वो करें। अच्छा, और इसमें मतलब पूछना तो नहीं चाहिए, आपकी सीक्रेट रेसिपी है, मगर थोड़ा बहुत अगर बता दें कि क्या क्या है इसमें? ये वालिद साहब बनाएंगे। वालिद साहब बताएँगे? बनाते वही हैं। चलें भाई। अच्छा, कुछ तो इसमें मतलब अजवाइन वगैरह ये सारी चीज़ें होती होंगी? हाँ, मसाले तो होते हैं बहुत। अच्छा, सर्दियों में ये कारामद चीज़ है? काली मिर्ची अलग से डालते हैं। अच्छा, ये काली मिर्ची है। अच्छा, इसमें इसकी टॉपिंग के लिए ये चिकन है और ये काली मिर्ची है और ये नमक है और ये यखनी है और ये आप देख सकते हैं कि ये मुर्गी है। चले जनाब, हमारे लिए 2 बना दें अंडे वाले, मगर दोनों में ये चिकन नहीं डालिएगा। फ्रेंड्स, हम वेट कर रहे हैं कि ये हमें सर्व करें, मगर लेट मी टेल यू कि आपको मैंने खुद ट्राई किया ये कि आपको कितना भी नज़ला हो और नाक पूरी आपकी बिल्कुल जो है वो जमी हुई हो तो आप ये ट्राई करें एंड आपका नाक गारंटीड खुल जाएगा और ऐसा खुलेगा कि फिर बंद करवाने के लिए आपको कहीं और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। चले जनाब, ये हमारी ये आ गई है और हम इसको ट्राई करते हैं। लुक एट दिस, पहले एक हम सादा उठाएंगे। टेस्ट इज लाइक, आपने अगर कभी पाया ट्राई किया हो तो पाया में तो चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है, दिस इज़ क्वाइट माइल्ड। ठीक है, और अब हम इसके साथ ये अंडे का भी लगा देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये, एहतियात के साथ पिया करें। फ्रेंड्स, हमने सर्दियाँ स्टार्ट सूप के साथ की हैं, होपफुली के नज़ला नहीं होगा, मगर इन केस मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इनको आपको नज़ला हो यहाँ पे आप आएँ और इसको ट्राई करें। मैं आपको एरिया बता देता हूँ कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। अभी लो लाइट कंडीशंस हैं तो ये वो रास्ता है जो हीराबाद की तरफ आता है, सेंट्रल जेल से या सिटी गेट की तरफ से, और ये बिल्कुल मार्केट के कोने पर इनकी दुकान लोकेटेड है। ठीक है, और ये नूरानी देसी यखनी सूप, ये इनकी दुकान है। और तो फ्रेंड्स, होपफुली यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो
दिस इज़ शहज़ाद सुमरो साइनिंग ऑफ फी अमानुल्लाह।